नमस्कार, आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, आपके साथ मैं दीपिका। नजर डालते हैं अब तक के कुछ मुख्य खबरों पर। न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस द्वारा गैरकानूनी तरीके से बालू लदे 6 ट्रक जब्त किए गए। काफी समय से महानंदा नदी से अवैध तरीके से बालू का खनन किए जाने का शिकायत पुलिस को मिल रही थी। घर के सामने गंदगी फेंके जाने का विरोध करने पर हेमंत मंडल नामक एक व्यक्ति के हाथ की 4 उंगलियां उसके पड़ोसी द्वारा काट ली गई। घटना मालदा के भूतिया थाना गोवर्धन टोली इलाके की है। सिलीगुड़ी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ग्रंथन सेन गुप्त को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से सिक्किम हिमालयन स्पोर्टिंग क्लब के अंतर्गत अंडर 13, 15 व 18 शाखा मान्यता प्रदान की गई है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर।